प्रथम तहलका न्यूज। पिछले कई वर्षों से टोहाना रेलवे स्टेशन पर दैनिक रेल यात्री संघ यहां आने वाले यात्रियों को शीतल स्वच्छ पेयजल की सेवा देने का नेक कार्य कर रहा है। इस संघ ने आपस में पैसे इकट्ठा कर रेलवे स्टेशन पर ठंडे साफ पानी के लिए काफी सारे चिल्लर लगवाए हैं। साथ ही हमेशा ढककर रखी जाने वाली पानी की ट्रॉली को बनवाया जो तपती गर्मी में यात्रियों को निःशुल्क जल सेवा मुहैया करवाते हैं। टोहाना रेलवे स्टेशन पर जब रेल रुकती है ये कार्यकर्ता भाग भाग कर प्यासे रेल यात्रियों को पीने का पानी मुहैया करवाते हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए दैनिक रेल यात्री संघ के प्रधान राजेश नागपाल ने बताया कि जब रेलवे स्टेशन पर आम यात्रियों को महंगा स्वच्छ साफ पानी फिरने से हिचकते देखा तो उनके मन में सेवा का विचार आया और आज सभी के सहयोग से ये कार्य सही से चल रहा है। ऐसा है जी, मैं 2002 से डेली अप डाउन कर रहा हूँ जींद का नरवाना उचाना। 2014 में हमारे साथियों ने मिलकर योजना बनाई कि यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है क्योंकि हम भी ट्रेन में आते हैं, ट्रेन में यात्रियों को पानी मिल नहीं पाता गर्मी ज़्यादा होने के कारण, खास करके जनरल डिब्बों में जो उनसे स्लीपर क्लास है उनमें तो पैसे दे के लोग पानी ले लेते हैं लेकिन जनरल डिब्बों में पानी मुहैया नहीं हो पाता, गरीब लोग होते हैं वहाँ। और हमने एक शुरू से हमने यहाँ पे चिल्लर नहीं था, बर्फ़ की सिस्टम चलाया, बर्फ़ लेके आते थे और पानी टब में भर के और पानी पिलाते थे। 2004 से हमने 2014 में मुहिम शुरू की, 2015 में हमने यहाँ पे एक चिल्लर लगवाया और 16 में दूसरा और 17 में तीसरा। और अब हमारे पास यहाँ पानी की ये कवर्ड टैंकियाँ हैं, 13 टैंकियाँ हैं, प्लेटफार्म एक पे 9 टैंकियाँ हैं और प्लेटफार्म नंबर 2 पे 4 टैंकियाँ हैं। जैसे सुबह छिंदवाड़ा आती है 14625, फिर 12641 जम्मू तभी आती है उस तरफ परली तरफ से और सिरसा वाली ट्रेन आती है और शाम को फिर जनता है पैसेंजर है और फिरोजपुर वाली फिरोजपुर दिल्ली वाली पैसेंजर आती है। तकरीबन 8 गाड़ियों में हमें पानी पिलाते हैं, सभी साथी पूरा सहयोग दे रहे हैं और टोहाना के आम लोग भी पूरा हमारे को सहयोग दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब की बार रेलवे स्टेशन पर पक्षियों के लिए पेड़ों पर घोंसले भी लगाए गए हैं ताकि इस गर्मी में इन्हें भी आसरा मिल सके। प्रथम तहलका के लिए टोहाना से नवल सिंह की रिपोर्ट। प्रथम तहलका न्यूज़।